नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मोहिनी त्यागी और आप देख रहे हैं बिस्तर। 30 जून आने वाला है, यानी कि जून की आखिरी तारीख। और इस महीने की आखिरी तारीख को ऐसे बहुत से काम हैं जिनकी डेडलाइन है, और इन जरूरी कामों को अगर आप नहीं निपटाते हैं 30 जून तक, तो आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो आज की काम की खबर में हम आपको ऐसे ही कुछ कामों के बारे में बताएंगे जो अगर आपने 30 जून तक नहीं निपटाए तो आपको नुकसान भी हो सकता है। शुरुआत बैंक से जुड़ी खबरों से करते हैं। अगर आप सिंडिकेट बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए आईएफएससी कोड लेना, नया आईएफएससी कोड लेना बहुत जरूरी है। बता दें कि सिंडिकेट बैंक का 1 अप्रैल 2020 से कैनरा बैंक में विलय हो चुका है। ऐसे में सिंडिकेट बैंक की ब्रांच का मौजूदा आईएफएससी कोड 30 जून 2021 तक ही काम करेगा। 1 जुलाई 2021 से बैंक के नए आईएफएससी कोड लागू हो जाएंगे। नए कोड को ग्राहक canarabank.com/ifsc.html से जान सकते हैं। इसके अलावा कैनरा बैंक की वेबसाइट के जरिए भी ग्राहक अपनी बैंक शाखा का नया आईएफएससी कोड जान सकते हैं। इसके साथ ही सिंडिकेट बैंक के ग्राहक अपने बैंक की जो पास की ब्रांच है या जो आपकी ब्रांच है उसमें जाकर भी अपना कोड ले सकते हैं। और हाँ, आपको नई चेकबुक लेने की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस पर आपका नया आईएफएससी कोड और MISCR कोड मेंशन होगा। इसके साथ ही इसी महीने पीएम किसान निधि में अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इसमें भी आपको नुकसान हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सरकार साल की 3 किश्तें किसानों को देती है, 2,000 रुपए की किश्तें होती हैं जो सीधा आपके खाते में ट्रांसफर होती है। लेकिन अगर आपने आवेदन नहीं कराया है तो आपको ये किश्तें आपके बैंक खाते में नहीं मिलेंगी। यानी कि अगर आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो 30 जून से पहले हर हाल में ये करा ले, ताकि साल की दोनों किश्त आपके खाते में आ जाए। पीएम किसान निधि के नियमों के मुताबिक अगर आप 30 जून तक आवेदन कर देते हैं और आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो जून या जुलाई में आपको 2,000 रुपए मिल जाएंगे। इसके बाद अगस्त में भी 2,000 रुपए की किश्त आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप अपना नाम लाभार्थियों की सूची में चेक करना चाहते हैं तो आप डिजिटल जमाने में आप वो भी घर बैठे कर सकते हैं। हम आपको उसकी भी डिटेल्स बता देते हैं। इसके लिए आपको pmkisan.gov.in पर जाना होगा। उसके बाद मेन्यू बार में फार्मर्स कॉर्नर पर जाएं, इसमें लाभार्थी सूची के लिंक पर क्लिक करें, फिर अपने राज्य, जिला, उपजिला, ब्लॉक और गांव की डिटेल्स दर्ज करें। इसके बाद आपको गेट रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आप अपना नाम सूची में चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं FD यानी कि फिक्स डिपॉजिट की। फिक्स डिपॉजिट लंबे समय से लोगों का पसंदीदा निवेश का विकल्प बना हुआ है, और इसी को देखते हुए बैंक्स भी अलग अलग तरह के ऑफर्स निकालते रहते हैं। फिलहाल कई बैंकों ने 30 जून तक स्पेशल FD ऑफर्स निकाले हैं, जिनका फायदा आपको सिर्फ और सिर्फ 30 जून तक मिल सकता है। बता दें, SBI, HDFC, ICICI और बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल FD स्कीम शुरू की थी। ये स्पेशल स्कीम 30 जून 2021 को खत्म हो रही है। इन स्कीम्स के तहत वरिष्ठ नागरिकों को नॉर्मल FD की तुलना में ज्यादा ब्याज मिल रहा है। HDFC बैंक सीनियर सिटीजन केयर FD स्कीम में 5 साल से ज्यादा और 10 साल से कम के निवेश पर 0.75% ज्यादा ब्याज मिलेगा, जबकि 5 साल तक की FD पर 0.5% ज्यादा ब्याज मिलेगा। वहीं SBI वी केयर स्कीम में निवेश करने पर 0.80% ज्यादा ब्याज मिल रहा है। इसके अलावा ICICI बैंक ने गोल्डन ईयर्स FD स्कीम पर 0.80% ज्यादा ब्याज मिलेगा। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा 5 साल से ज्यादा से लेकर 10 साल की अवधि वाली FD पर सीनियर सिटीजन्स को जून 2021 तक 1% ज्यादा ब्याज दे रहा है। ऐसे में अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आप अपनी FD पर ज्यादा ब्याज चाहते हैं तो आप इन स्कीम्स के थ्रू अपनी FD 30 जून तक खुलवा सकते हैं और इस खास मौके का फायदा आप आसानी से उठा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की काम की खबर। ऐसी ही कुछ खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिस्तर।